हेलो डियर लर्नर, मैं सौरभ पंडित आप लोगों को मेरे चैनल टाइम टू ट्रेवल विद बायोसाइंस में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इकाइनोडर्मेटा के एमसीक्यू पार्ट को कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को, सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत 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 शुभकामनाएं। अब गणपति बप्पा का नाम लेते हुए हम लोग अपना एमसीक्यू पार्ट स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू पार्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने कवर किया है। इकाइनोडर्मेटा को कवर कर लिया है, इसकी क्या 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 इंट्रोडक्टरी करेक्टरिस्टिक पार्ट, क्लासिफिकेशन पार्ट को, एग्जाम्पल्स को भी हम लोगों ने काफी अच्छे से देखा है। आज का जो सेशन रहेगा वो एमसीक्यू पार्ट रहेगा इसका। तो चलो देखते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर कर लिया था, बॉडी वॉल कैसे होता है, सिमेट्री कैसी होती है, इसमें ब्रेन पाया जाता है या नहीं पाया जाता, ये अच्छे से हम लोगों ने देखा है। अब इसके अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो इसका क्लासिफिकेशन है, इसे दो सब फाइलम में डिवाइड किया गया था, जो कि है इलियोथिरेजोआ और पलमेटोजोआ। इलियोथिरेजोआ जो है वो चार क्लासेस में डिवाइड हुआ था, और जो पलमेटोजोआ है इसका एक क्लास है। ओके, जिसे कहते हैं क्रिनोइडिया। ये कहते हैं स्टॉक होते हैं, सेडेंटरी होते हैं, सेडेंटरी इकाइनोडर्म्स होते हैं, और ये जो होते हैं, और ये जो है ये इसे लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं, इस क्लास को, क्रिनोइडिया को। और स्टेरॉइडिया, ओफ्यूरोइडिया, इकाइनोइडिया एंड होलोथ्यूरोइडिया, इसके चार ये क्लास हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इस क्लास के हम लोगों ने अच्छे से कमेंट और एग्जाम्पल्स देखे थे। एक एक क्लास के कमेंट्स और एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखा था। इसमें जो एम्पुली पाई जाती है उसके आधार पर और बॉडी शेप के आधार पर हम लोगों ने इसके कमेंट्स देखे थे। तो आज का जो सेशन है वो एमसीक्यू पार्ट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एमसीक्यू में, पहला एमसीक्यू हमारा है, दीज एनिमल हैव एन एक्सोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑस्किल्स। ये जो एनिमल्स होते हैं क्या रखते हैं, कैलकेरियस ऑस्किल्स रखते हैं, इसलिए इनको क्या ये किस फाइलम से बिलोंग करते हैं। ओके, जो जिनमें इंडोस्केलेटन पाया जाता है, और इंडोस्केलेटन क्या होता है, कैलकेरियस ऑस्किल्स जिसमें इंडोस्केलेटन में पाए जाते हैं। तो ये बिलोंग करता है आर्थ्रोपोड से, निडेरिया से, एनिलिड से, और या इकाइनोडर्मेटा से। तो आर्थ्रोपोड्स का तो ये करेक्टर है नहीं, निडेरिया के भी नहीं है, और एनिलिड्स में तो मेन करेक्टर है सेगमेंटेशन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड में क्या है, इकाइनोडर्मेटा आर मेराइन विद। इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं मेराइन होते हैं किस कारण से। ओके, इनकी किस लेवल ऑफ क्या पाया जाता है, मेराइन होते हैं विद सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन इनमें देखने को मिलता है, और ऑर्गन लेवल ऑफ इसमें ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं आर्थ्रोपोड्स से लेकर सारे जितने भी एनिमल्स थे उसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। आर्थ्रोपोड्स हुआ, मोलस्क हुआ, इकाइनोडर्मेट्स हुए, इनमें किस किस टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें ऑर्गन सिस्टम है, इसमें जितने भी ऑर्गन्स होते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। थर्ड हमारा द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स, ऑफ इकाइनोडर्म का जो इम्पोर्टेंट फीचर क्या है, इसमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो हाँ, इकाइनोडर्म में जो लार्वल स्टेज होती है उनके जितने भी लार्वा होते हैं, चाहे बाइपिनेरिया लार्वा हो या प्रैंक्योलेरिया लार्वा हो, ये जितने भी लार्वा होते हैं, डोलियोलेरिया लार्वा, इन सब में बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ओके, सीलोमेट्स एनिमल, हाँ इसमें सीलोमेट्स पाया जाता है, कौन सा, इंट्रोसिलिक सीलोम पाया देखने को मिलता है। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, हाँ इसमें थ्री जर्म्स लेयर पाई जाती है, इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म। तो ये सभी हमारे करेक्टर सही हो जाते हैं, हमारे नहीं, इकाइनोडर्मेट्स के करेक्टर सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाते हैं, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ, मतलब मोस्ट डिस्टिंक्टिव करेक्टर मतलब यूनिक करेक्टर कौन सा है इकाइनोडर्म में जो कि प्रेजेंट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, हमारा नहीं, इंडो स्केलेटन, सॉरी इकाइनोडर्मेटा का पहला हमारा काइट, बार बार मैं हमारा बोल रही हूँ, पहला ऑप्शन है काइटिनस एक्सोस्केलेटन, इसमें देखने को मिलता है इकाइनोडर्म में। सेकंड है कैलकेरियस सेल्स देखने को मिलती है। थर्ड है कैमल कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है, कैमल हो गया, कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। फोर्थ है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तो जो यूनिक इसका करेक्टरिस्टिक है तो वो यही है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो हेल्प करता है लोकोमोशन में। फिफ्थ
फिफ्थ है द वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्म्स हेल्प्स इन। अभी अभी मैंने बताया कि इकाइनोडर्म्स का जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है किन किन चीज़ों में हेल्प कर सकता है। ओके तो सबसे लेकिन यूनिक हेल्पनेस इसमें क्या है, इन सब में तो करता ही है लेकिन यूनिक इन सब में से जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर है वो बताना है। वाटर वेस्कुलर लोगो मोशन में हेल्प करता है, कैप्चरिंग में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड्स एंड रेस्पिरेशन में, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये फूड ट्रांसपोर्ट में और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं। सी अर्चिन इज, सी अर्चिन जो होता है वो क्या है, इसमें से कौन सा एनिमल है जिसको हम सी अर्चिन करते हैं, इसका साइंटिफिक नेम कौन सा है। ये तो कॉमन नेम हो गए, साइंटिफिक नेम आपको बताना है। इकाइनस है, एस्टेरियास है, एंटीडॉन है या कुकुमेरिया है। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इकाइनस है। इकाइनस को क्या बोलते हैं, सी अर्चिन बोलते हैं। एस्टेरियास को स्टार फिश बोलते हैं। ओके कुकुमेनिया अलग होता है, दूसरा है। क्वेश्चन नंबर सेवन पे आ जाते हैं। सी लिली, सी लिली किसे बोलते हैं। ओके सी लिली के बारे में देख लेते हैं। सी लिली किस एनी का किस इसमें से साइंटिफिक नेम बताना है, किसे सी लिली बोलते हैं। एंटीडॉन को बोलते हैं या ओफ्यूरोडिया को बोलते हैं या एस्टेरिया को बोलते हैं या इकाइनस को। अभी अभी इकाइनस तो सी अर्चिन पढ़ लिया तो ये तो हो ही नहीं सकता। और इसके बाद जो ऑप्शन बचता है वो बचता है ओफ्यूरिया को भी तो बोल नहीं सकते, एस्टेरियास को अभी अभी बताया, स्टारफिश बोलते हैं। तो इंटी डॉन क्या बचता है जिसे सी लिली बोलते हैं। ओके ये रहा एंटीडॉन, ये रहा जिसे सी लिली बोलते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है लिली टाइप में फॉर्म होता है, एक फ्लावर होता है लिली उसी टाइप में इसका स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसे सी लिली बोलते हैं। अब ये थर्ड है हमारा ओफ्यूरा। ओफ्यूरा इज ओफ्यूरा का साइंटिफिक नेम सॉरी क्या है, इसका कॉमन नेम बताना ओफ्यूरा का। तो इकाइनस इसे कहते हैं, फर्स्ट है इकाइनस, थर्ड है ब्रिटल स्टार, सेकंड है ब्रिटल स्टार, थर्ड है सी कुकुमर या फोर्थ है एस्टेरियास। तो ओफ्यूरा तो इकाइनस तो होता नहीं, इकाइनस को सी अर्चिन बोलते हैं, सी अर्चिन को इकाइनस बोलते हैं, और सी कुकुम्बर तो हो ही नहीं, तो होलीथुराइडिया होता है सॉरी एस्टेरियास तो हुई नहीं, सी स्टार फिश का नाम होता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्यूरा का वो हो जाएगा ब्रिटल स्टार को क्या बोलते हैं, फ्यूरा। क्वेश्चन नंबर नाइन देख लेते हैं। सी कुकुम्बर इज, सी कुकुम्बर किसे बोलते हैं। ओके तो इसमें बोलता है कुकुमेरिया को बोलते हैं, ओफ्यूरा को बोलते हैं। ओफ्यूरा का अभी अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं ओफ्यूरा को, कमेंट सेक्शन में अभी अभी मैंने पढ़ा है तो आप लोग बताएंगे कि ऑफसी ओफ्यूरा को क्या बोलते हैं, ओफ्यूरा को। ओके इकाइनस अभी अभी इसके बारे में पढ़ा है, इसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसे क्या कहते हैं। मेरी रेडुला, ओके तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, तो ये बचता है तक कुकु मैरिया बचता है और क्या बचता है मेरी रेडुला, तो मेरी रेडुला भी नहीं हो सकता, क्या है कुकु मैरिया, कुकु मैरिया को बोलते हैं सी कुकुम्बर। 10th हमारा क्वेश्चन, स्क्रिटरी सिस्टम इकाइनोडर्म का, स्क्रिटरी सिस्टम इज अब्सेंट, स्क्रिटरी सिस्टम किस में अब्सेंट होता है, मोलस्क में नहीं, मोलस्क में तो पाया जाता है स्क्रिटरी सिस्टम, मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है, एनिलिड्स में भी पाया जाता है नेफ्रिडिया, इकाइनोडर्म्स या आर्थ्रोपोड्स में तो मैल्पिगियन टिब्यूल्स देखने को मिलती है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 10 सी हो जाएगा, इकाइनोडर्म्स में स्क्रिटरी सिस्टम अब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ ऑन लोअर वेंट्रिकल साइड एंड एनस द अपर डॉर्सल साइड, आइडेंटिफाई द फाइलम। इसमें फाइलम आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट टाइप का पाया जाता है माउथ के साथ में, और लोअर वेंट्रिकल साइड पाया जाता है, और जो एनस होता है अपर डॉर्सल साइड में देखने को मिलते हैं। तो यह जो करेक्टर है किस फाइलम का है, मोलस्क का नहीं, एनिलिड्स का भी नहीं, आर्थ्रोपोड्स का। तो यह करेक्टर है इकाइनोडर्मेटा का, यूनिक करेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ये याद रखिएगा कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इकाइनोडर्म्स का वो कंप्लीट होता है, और जो माउथ होता है वो लोअर साइड में, लोअर वेंट्रिकल साइड में होता है, और एनस जो होता है अपर डार्सल साइड में होता है। रिस्पिरेशन इन इकाइनोडर्मिस डर्मेटा इज डन बाय, इकाइनोडर्म्स में जो रिस्पिरेशन होता है किसके थ्रू होता है ये बताना है आपको, कैनाल्स के थ्रू,
वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू, गिल्स के थ्रू, गिल बुक के थ्रू। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा फूड रेस्पिरेशन, एयर रेस्पिरेशन में कौन हेल्प करता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं, करेक्ट है स्टिक ट्यूब फीट हेल्प इन, ट्यूब फीट किस में हेल्प करता है, पहला है लोकोमोशन में, न्यूट्रिशन में, रेस्पिरेशन में, या एक्सक्रीशन में। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ट्यूब फीट किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम तो इसमें पाया ही नहीं जाता है, रेस्पिरेशन जो होता है, न्यूट्रिशन जो होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू ट्रांसफर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं, द डीजेनरेट फीचर ऑफ इकाइनोडर्म, इकाइनोडर्म्स में वो करेक्टर जो डीजेनरेट करेक्टर को फीचर होता है, मतलब जो खत्म होने वाला फीचर्स होता है, क्या होता है, लैक ऑफ हेड, एब्सेंस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिड्यूस सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये जो जितने भी दिए गए हैं, ये कोई भी करेक्टर इकाइनोडर्म में नहीं पाया जाता, डीजनरेट हो जाते हैं। इसमें हेड भी नहीं पाया जाता, ब्रेन नहीं होता, एक्सक्रीटरी सिस्टम तो अभी अभी पढ़ा नहीं पाया जाता, रिड्यूस सर्कुलेटरी सिस्टम ये भी ऑप्शन सही है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इकाइनोडर्म में ये सारे करेक्टर देखने को नहीं मिलते। क्वेश्चन नंबर 15, द इकाइनोडर्मेटा रिजेंबल्स कार्डेटा पर्टिकुलरली वर्टिब्रेट्स इन लिव इन हैबिंग, जो इकाइनोडर्मेटा होता है रिजेंबल्स किसके थ्रू करता है, किससे अपना रिजेंबलेंस शो करता है, कार्डेट से अपना रिजेंबलेंस शो करता है, पर्टिकुलरली किससे, किससे, वर्टिब्रेट से। वो ऐसा कौन सा करेक्टर है जो कि दोनों में देखने को मिलता है। ओके, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या देख लेते हैं, पहला जो ऑप्शन है रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज इन फ्रॉग, जो इनमें रेडियल और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज देखने को मिलता है, ड्यूटेरोस्टोमस माउथ देखने को मिलता है, मीजोडर्मल एक्सोस्केलेटन देखने को मिलता है। तो ड्यूटेरोस्टोमस माउथ का मतलब होता है जिनका जो ब्लास्टोपोर होता है वो क्या होता है, एनस में होता है, लास्ट ओपनिंग। ओके, मीजोडर्मल एक्सोस्केलेटन, तो ये सारे करेक्टर जो होते हैं ये रिजेंबलेंस करते हैं इकाइनोडर्म्स को वर्टिब्रेट से। रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज भी देखने को मिलता है, ड्यूटेरोस्टोमस माउथ भी देखने को मिलता है, और मीजोडर्मल एक्सोस्केलेटन भी देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, ओस्टेरॉइडिया, ओप्योराइडिया, काइनोराइडिया एंड होलोथीरॉइडिया एंड क्रिनोइडिया आर क्लास ऑफ, किसका क्लास है, होलो सारे ही दे दिए गए हैं, स्टीरोइडिया, ओफ्यूराइडिया, इकाइनोइडिया। इकाइनोइडिया से ये तुरंत आइडिया लग जाता होगा, स्टीरोइडिया से स्टारफिश, ओफ्यूराइडिया से अभी अभी ओफ्यूरा हम लोग पढ़े, इकाइनोइडिया से इकाइनस अभी, होलोथ्यूराइडिया से सी कोकुम्बर, क्रिनोइडिया से सी लीली अभी पढ़े। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते लेते हैं, लार्वा नहीं स्टारफिश, स्टारफिश में जो लार्वा देखने को मिलता है वो कौन सा होता है स्टारफिश में लार्वा। ओके, पहला हो गया बाइपिनेरिया लार्वा, सेकंड है ओफियोप्लूटस लार्वा, थर्ड है ओरिकुलेरिया लार्वा, और फोर्थ है हमारा क्रिनोइडिया। तो क्रिनोइडिया नहीं होता, ओक्यूलेरिया लार्वा भी नहीं होता, ओफियोप्लूटस लार्वा भी नहीं होता, क्या होता है, जो प्राइमरी स्टेज होता है बाइपिनेरिया लार्वा देखने को मिलता है स्टारफिश में। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं, द लार्वा ऑफ सी अर्चिन, सी अर्चिन का आपको लार्वा बताना है, किसी अर्चिन में किस टाइप का कौन सा लार्वा देखने को मिलता है। तो पहला है हमारा इकाइनोप्लूटस लार्वा देखने को मिलता है, ऑरिकुलेरिया लार्वा देखने को मिलता है, क्रिनोइडिया लार्वा देखने को, या प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम तो देखने को मिल ही नहीं सकता। तो यही तीन है, तो इसमें ऑरिकुलेरिया लार्वा बिल्कुल नहीं, तो क्रिनोइडिया भी नहीं हो सकता है। इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा, इकाइनोप्लूटस लार्वा सी अर्चिन में देखने को मिलता है। सी अर्चिन का नाम क्या है, इकाइनस, तो इसीलिए इकाइनोप्लूटस इसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं, रिस्पिरेशन अकर्स बाय गिल कॉल्ड डर्मल ब्रैंकियाई आर पैपली, रिस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, गिल के थ्रू, और उसे क्या कहते हैं, डर्मल ब्रैंकियाई या पैपलियाई, ये किस में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इस ब्रिटल स्टार में, स्टार फिश में, सी अर्चिन में, सी कुकुम्बर में, तो ये करेक्टर देखने को मिलता है, यूनिक करेक्टर है, डर्मल ब्रैंकियाई किस में और पैपलियाई किस में, स्टार फिश में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, द ब्रिटल स्टार इज, ब्रिटल स्टार इसमें से किसे कहते हैं ब्रिटल स्टार, ओपियोथ्रिक्स को, माइटिलस को, पिंटाडा को, इकाइनस को, इकाइनस को तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, उसे अभी अभी सी अर्चिन पढ़ा है, पिंटाडा नहीं बोलते, ओके माइटिलस भी नहीं बोलते, इसे क्या बोलते हैं, ओपियोथ्रिक्स।
क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। अरिस्टोटल लैटिन इज फाउंड इन, अरिस्टोटल लैटिन किस में देखने को मिलता है? ओके, अरिस्टोटल लैटिन एक स्ट्रक्चर होता है जो कि मास्टिकेटिंग स्ट्रक्चर होता है, जो कि फूड को मास्टिकेट करने में, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में काटने, जैसे हमारे दांत हैं उसमें अरिस्टोटल लैटिन देखने को मिलता है। और ये किस में देखने को मिलता है? जेलीफिश में, सी एनिमोन्स में, सी लिली में या सी अर्चिन में देखने को मिलता है। तो ये इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा डी, सी अर्चिन। इकाइनस में अरिस्टोटिला फ्लैटन देखने को मिलता है, इसे इकाइनस भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द टर्म नॉट अप्लीकेबल टू इकाइनोडर्म, इसमें से कौन सा टर्म है जो इकाइनोडर्मेटा के लिए नहीं है? तो पहला हो जाएगा मेडिपोराइट, पोडिया, मैरेन एंड बायलेटरल सिमेट्री। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है, इसमें मेडिपोराइट देखने को मिलता है, पोडिया भी देखने को मिलता है, मैराइन भी होते हैं। इसमें जो ये नहीं पूछा गया है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो एडल्ट इकाइनोडर्म्स होते हैं उनमें पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, जो लार्वल स्टेज होते हैं उनमें केवल बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, अदर्स में नहीं देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। वाटर वैस्कुलर सिस्टम या एम्बुलकर सिस्टम इज अ टिपिकली फाउंड इन, एम्बुलकर सिस्टम या वाटर वैस्कुलर सिस्टम किसमें? हाइड्रा में बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है, स्पंजेज में भी नहीं, और अर्थवर्म में नहीं, तो इस किसमें? स्टार फिश में देखने को मिलता है। ये तो बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 25 पे, 24 पे आ जाते हैं। मेन फंक्शन ऑफ पेडिसिलरी इन एस्टेरियास, एस्टेरियास में जो मेन फंक्शन होता है पेडिसिलरी का वो क्या होता है? तो ये होता है पेडिसिलरी डाइजेशन में हेल्प करता है, रिस्पिरेशन में हेल्प करता है, या एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, या कैप्चर ऑफ प्रे एंड रिमूवल ऑफ डेब्रिस, इसमें से किस में हेल्प करता है पेडिसिलरी? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पेडिसिलरी वो हो जाएगा डी, कैप्चर ऑफ प्रे एंड रिमूवल ऑफ डेब्रिस में हेल्प करता है। पेडिसिलरी जो होता है, ये जो प्रे होता है उसको कैप्चर में हेल्प करता है और डेब्रिस को रिमूवल में। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। सी लिलीज आर द मेंबर ऑफ क्लास, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था सी लिली किसका मेंबर है, अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था। ओपिडोइडिया का, एस्टेरॉइडिया का, इकाइनोइडिया का, सॉरी क्रिनोइडिया का, क्वेश्चन नंबर डी है, इकाइनोइडिया का। ये क्वेश्चन नंबर 25 है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओपिडोइडिया का है ना, ओफियोरा पाया जाता है, एस्टेरियार्स पाया जाता है एस्टेरॉइडिया में, क्रिनोइडिया में सी लिली देखने को मिलता है और इकाइनोइडिया में इकाइनस देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है? 26 में क्या है? व्हिच करेक्टर इज कॉमन इन फाइलम इकाइनोडर्मेटा एंड कार्डेटा, कार्डेटा और इकाइनोडर्मेटा में कौन सा करेक्टर ऐसा है जो कि कॉमन है? अभी मैंने तीनों करेक्टर को बताया था, उसी तीनों में से इसमें देखने को मिल जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। पहला है माउथ एराइज सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द ब्लास्टोपोर ड्यू टू स्ट्रोमियल, बी है हमारा माउथ एराइज फ्रॉम ब्लास्टोपोर एंड एंटीरियर मार्जिन ऑफ द ब्लास्टोपोर इन द प्रोटोस्टोमियम, थर्ड हमारा प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट, प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माउथ एराइजेस सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द ब्लास्टोपोर, इसे इसकी ओपनिंग कैसी होती है? ड्यूटेरोस्टोमियल होती है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। रिस्पिरेशन बाय द डर्मल गिर ब्रैंकियाई एंड रिस्पिरेटरी ट्री इज परफॉर्म बाय, रिस्पिरेटरी ट्री किसमें देखने को मिलता है? रिस्पिरेशन किसमें परफॉर्म होता है? मोलस्क में, प्रोटोब्रैंकियाई में, या इकाइनोडर्म या आर्थ्रोपोड्स, सॉरी इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है जो बरसाई देखने को मिलती है जो रिस्पिरेशन में हेल्प करती है? क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28 क्या बोल रहा है? स्टारफिश बिलोंग टू द क्लास, स्टारफिश किस क्लास से बिलोंग करता है? पाइसेस से, स्टेरियार्ड से, सिफेलोपोड से या ओपियोराइडा से? तो स्टारफिश बिलोंग करता है स्टीरोइडिया से, क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। एम्बुलकर ग्रुप्स आर एब्सेंट इन द लिविंग फॉर्म ऑफ द क्लास, इसमें से किसमें एम्बुलकर ग्रुप जो होता है वो अब्सेंट होता है? तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो देख लेते हैं। पहले पहले ऑप्शन देख ले, क्रिनोइडिया में देखने को मिलता है कि ओफिरोइडिया में, कि एस्टिरोइडिया में, कि इकाइनोडर्मेटा डर्मेटा में। तो इसमें क्लास पूछा है तो इकाइनोडर्मेटा तो फाइलम ही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एस्टीरोइडिया में तो एम्बुलकर सिस्टम प्रेजेंस होता है, अच्छे से डेवलप होता है, तो वो भी नहीं होता। क्रिनोइडिया में भी देखने को मिलता है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओपिरोइडिया जो होता है
वो ये इस क्लास में एम्बुलकर सिस्टम जो होता है वो अब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। अरिस्टोटिलियन इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फॉलोइंग क्लास ऑफ इकाइनोडर्म्स। इसमें से किस क्लास के इकाइनोडर्म में अरिस्टोटिलियन जो मास्टिकेटिंग एक ऑर्गन है मेन करेक्टरिस्टिक है फीचर है इसका, इकाइनोइडिया का, होलोथ्यूराइडिया का, ओफ्यूराइडिया का या स्टीरोइडिया का। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी बी नहीं ए होगा, इकाइनोइडिया का। इकाइनस इसमें देखने को मिलता है ना, इकाइनोइडिया का सी अर्चिन जिसमें पाया जाता है इसी का मेन करेक्टर है इकाइनोइडिया का। क्वेश्चन नंबर 31 आ जाते हैं। स्पेशल फीचर ऑफ एविसर्सन या ऑटोफॉर्मी इज फाउंड इन, ऑटोफॉर्मी किसमें देखने को मिलती है? ओके, कार्डिड्स का, इकाइनोडर्मेटा में, एनिलिड्स में या सिलेंट्रेट्स में। तो जो ये ऑटो फॉर्मी है देखने को मिलती है इकाइनोडर्मेटा में। क्वेश्चन नंबर 32, एन एनिमल विद अनसेगमेंटेड सीलोम, सुपरफिशियल रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री लार्वल बिलोंग टू, जिसमें अनसेगमेंटेड सीलोम देखने को मिलता है, सुपरफिशियल रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है वो भी लार्वल स्टेज में, ये किसका फीचर है? तो ये इकाइनोडर्मेटा का फीचर है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। व्हिच फाइलम बिलोंग टू द ड्यूटेरोस्टोमिया, इसमें से कौन सा फाइलम जो ड्यूटेरोस्टोम से बिलोंग करता है? तो ऑप्शन नंबर जो पहला है वही करेक्ट हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा जो है वो ड्यूटेरोस्टोमिया से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। एन एनिमल दैट ट्रांसफर फ्रॉम बायलेटरल सिमेट्री टू रेडियल सिमेट्री इन हिज लाइफ साइकिल इज, ऐसा कौन सा एनिमल है जो बायलेटरल सिमेट्री से लार्वल स्टेज में बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है और जब एडल्ट होता है तो रेडियल सिमेट्री, कौन सी रेडियल? पेंटामेरस सिमेट्री देखने को मिलती है, वो कौन सा एनिमल है? हाइड्रा, ओबिलिया, स्टारफिश या स्पंजिस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, किसमें देखने को मिलता है? स्टारफिश में। क्वेश्चन नंबर 35 है। एस्टीरोइडिया, ओफ्यूराइडिया, इकाइनोइडिया, होलोथ्यूराइडिया एंड क्रिनोइडिया आर द क्लास ऑफ, किसका क्लास है? इकाइनोडर्मेटा का क्लास है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। 36 क्या बोल रहा है? सेगमेंटेशन इन बॉडी इज नॉट प्रेजेंट, किसमें बॉडी, किसकी बॉडी में सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता? क्रेफिश में देखने को मिलता है, फ्रॉग में भी देखने को मिलता है और ग्रासोफर में भी देखने को मिलता है, स्टारफिश में जो बॉडी सेगमेंटेशन है वो नहीं देखने को मिलता है। 37 देख लेते हैं। 37 क्या बोलता है? मार्क द करेक्ट वन, इसमें से कौन सा करेक्ट है? है एनिलिड्स, ओलिगोकिटी एंड एरिस, ये ऑप्शन हमारा गलत है। मोलस्क, पेलिसिफोडा एंड कैटलफिश, ये भी गलत है, पेलिसिफोडा में कैटलफिश नहीं आती। रेप्टाइल्स, ओफिडिया, लिजर्ड्स, ये भी गलत है। जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा, होलोथ्यूराइडा एंड कुकुम्बर। कुकुम इसके भी बोलते हैं सी कुकुम्बर। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक ब्लास्टिक ऑर्गन सिस्टम ग्रेट बॉडी सीलोम अनसेगमेंटेड एनिमल्स आर, कौन से होते हैं? वो होते हैं इकाइनोडर्मेटा। क्वेश्चन नंबर 39, अब्सेंस ऑफ हेड अनसेगमेंटेड बॉडी इंडोस्केलेटन ऑफ डर्मल कैलकेरियस प्लेट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्मेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, सिफिलाइजेशन इज अब्सेंट, सिफिलाइजेशन मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन या फॉर्मेशन ऑफ हेड, किसमें देखने को नहीं मिलता है? मोलस्क में, आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलता है, इकाइनोडर्मेटा में देखने को नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं। व्हिच इज अनरिलेटेड, इसमें से कौन सा सर इसमें से इकाइनोडर्मेटा से रिलेट नहीं करता? सी कुकुम्बर करता है, सी अर्चिन भी करता है, स्टारफिश भी करता है। तो जो इसमें से पूछा था कौन सा नहीं करता, तो सी स्क्वेयर जो होता है वो मोलस्का से बिलोंग करता है। ओके, क्वेश्चन जिसे लोलिगो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाते हैं। इकाइनोडर्मेटा इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल व्हिच आर, इसमें से कौन सा करेक्टर जो है वो इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करता है? ओके, तो 42 है हमारा। 42 में पहला है सीलोमेट्स होते हैं, हॉर्नी होते हैं, मैराइन होते हैं, सीलोमेट होते हैं, स्पाइन होते हैं, मैराइन होते हैं, ए सीलोमेट, ए सीलोमेट तो हो ही नहीं सकते, ये पहला ही गलत हो गया, और हॉर्नी नहीं होते ये, ज्वाइंट लेग्स बिल्कुल नहीं देखना है, सीलोमेट्स होते हैं, स्पाइनी होते हैं, मैराइन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आ जाता है। 43 क्या कहता है हमारा? 43 का अरिस्टोटिलियन इज कनेक्टेड विथ, अरिस्टोटिलियन किससे कनेक्टेड होता है? रिस्पिरेशन से नहीं, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को मिलता ही नहीं, सपोर्ट्स तो बिल्कुल नहीं, तो मास्टिकेटरी एक्टिकेशन में हेल्प करता है। ओके, चबाने के काम में आता है फूड को। क्वेश्चन नंबर 44, इकाइनोडर्म्स आर हेडलेस, ब्रेनलेस एंड हर्टलेस, लेट दे आर प्लेस प्लेस्ड एट द टॉप इनवर्टिब्रेट बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ,
इनमें सारी चीजें तो अब्सेंट होती है, जैसे हेड हुआ, ब्रेन हुआ, हार्ट हुआ, फिर भी ये टॉप इनवर्टिब्रेट्स में क्यों रखा गया है? ऐसा क्या इसमें प्रेजेंस होता है जिसमें जिसके कारण इसे टॉप इनवर्टिब्रेट्स में रखा गया है? इंट्रोसिलिक्सिलोम, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, एक्सक्लूसिव मैराइन फॉर्म, ग्रेटर पावर ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये सारे करेक्टर तो होते ही हैं, लेकिन इंट्रोसिलिक्सिलोम पाया जाता है। जो गैस्ट्रुला होता है वो इन्वेज होके क्या बनाता है? इंटीरान कैविटी फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 45 आ जाते हैं। ट्यूब फीट्स आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्यूब फिट। किसका करेक्टर? जेली फिश का? नहीं। कैटल फिश का? नहीं। क्रे फिश का? नहीं। यह है स्टार फिश का मेन करेक्टरिस्टिक है। ये जितने भी फिश हैं इसका नाम आप लोग बताइएगा, साइंटिफिक नेम कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 46, मैच द एनिमल लिस्ट विद द नेम कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम एनिमल लिस्ट विद रेगुलर जूलॉजिकल नेम अंडरलाइन कॉलम सेकंड। तो इसमें कॉलम फर्स्ट में एनिमल का कॉमन नेम दिया, कॉमन सेकंड में जो है वो जूलॉजिकल नेम दिया गया। इसको तो दोनों को मैच करना है। तो इसमें जो पहला देख जो करेक्ट करेक्ट ऑप्शन होगा वो देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो किससे मैच हो रहा है? जो स्टार फिश है वो किससे मैच हो रही है? स्टार फिश के इसके स्टेरोपेक्टिन से मैच हो रही है। ओके, जेली फिश किससे मैच हो रही है? जेली फिश सीपिया, नहीं, सीपिया से नहीं, ऑरिलिया से। सीपिया कहाँ हो गया, एक सेकंड। स्टार फिश एस्टेरोपेक्टन, जेली फिश ऑरिलिया एंड डेविल फिश ऑक्टोपस एंड कैटल फिश सीपिया। ओके, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंटीडॉन बिलोंग टू द क्लास, एंटीडॉन किससे बिलोंग, किस क्लास से बिलोंग करता है? इसे सी लिली भी कहते हैं। क्रिनोइडिया से, स्टीरोइडिया से, ओफ्यूरोइडिया से, इकाइनस से। किसे? क्रिनोइडिया। क्वेश्चन नंबर 48, बास्केट स्टार बिलोंग टू, बास्केट बास्केट स्टार किस क्लास से बिलोंग करता है? बास्केट स्टार को का जो साइंटिफिक नेम है वो गॉर्गोनोसिफेलस है होता है, और इसकी जो बॉडी होती है पेंटामिरा शेप में होती है, लार्ज होती है। तो ये किस क्लास से बिलोंग करता है ये पूछा गया है। तो ये बिलोंग करता है ओफ्यूरोइडिया से, इकाइनोइडिया से, या स्टीरोइडिया से, या क्रिनोइडिया से। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओफ्यूरोइडिया से। इसका जो साइंटिफिक नेम क्या बताया मैंने? गॉर्गोसिफेलस, बास्केट स्टार का। क्वेश्चन नंबर 49, बॉक्स लाइक कैलकेरियस टेस्ट अकर इन, बॉक्स लाइक कैलकेरियस टेस्ट किसमें देखने को मिलता है? सीलिली में, सी स्टार में, सी सैंड डॉलर में, सी कोकुम्बर में। तो बॉक्स लाइक, जैसे ही बॉक्स लाइक बोला माइंड में आ जाना था, सी सैंड सी डॉलर में बॉक्स लाइक कैलकेरियस टेस्ट ऑर्गन पाया जाता है। इसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी डॉलर। क्वेश्चन नंबर 15, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग हेमिकार्डेटा स्टार्ट करेंगे। हेमिकार्डेटा के बारे में पढ़ेंगे, उसमें जो मेन एनिमल है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, बैल्नोग्लासेस के बारे में। ओके, तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे हेमिकार्डेटा, और देखेंगे जो ये जो हेमिकार्डेटा यही जो है कनेक्टिव लिंक फॉर्म करता है इकाइनोडर्मेटा और कार्डेट्स के बीच में। तो कल का सेशन बहुत ही अच्छा रहेगा, आप लोग जरूर देखिएगा। तो लिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन व्हिच क्लास ऑफ इकाइनोडर्म्स स्टाक इज फाउंड इन अटैचमेंट विद द सबस्ट्रेटम। किसमें स्टाक जो होता है हेल्प करता है? सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम मतलब जो सतह होती है उससे चिपकने में, अटैच होने में। स्टीरोइडिया का क्लास में, इकाइनोइडिया क्लास में, या ओप्यूरोइडिया क्लास में, या क्रिनोइडिया के क्लास में। तो जो क्रिनोइड्स होते हैं उसके एनिमल जो होते हैं सतह से चिपकने में, उसमें जो स्टाल्क होता है वो हेल्प करता है। स्टार्टिंग में ही हमने देखा था जो पैलेसी जो हुआ होते हैं उनके एनिमल में क्या बचा? स्टाल्क पाया जाता है। ओके, तो ये जो हमारे 50 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट होते हैं। कल हम लोग मिलेंगे हेमिकार्डेटा के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए बाय, कल मिलते हैं हेमिकार्डेट्स के साथ। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।